एक और कांटे की टक्कर, राजस्थान रॉयल्स अपने नए घर में खेलते हुए पंजाब किंग्स के सामने। राजस्थान रॉयल्स ने पहला मैच बड़ी आसानी से जीता, जिस तरह जॉस बटलर ने बल्लेबाजी की, जयसवाल ने बल्लेबाजी की, संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी। और अभी हेडमार की बारी भी नहीं आई, तो कमाल की बल्लेबाजी, एक बड़ी मजबूत टीम और कमाल की गेंदबाजी उनके पास। ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल और फिर रविचंद्रन अश्विन, तीन ऐसे गेंदबाज जो खेल का रुख पलट सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक कमाल की टक्कर, एक बड़ी मजबूत टीम जिसको हराना आसान नहीं होगा पंजाब किंग्स के लिए, जिनके पास लियम लिविंगस्टन नहीं खेल रहे हैं, एक नए कप्तान के नीचे खेलती हुई, शिखर धवन के अंडर खेलती हुई, तो अब उनके लिए वापसी आसान नहीं होगी। हालांकि उनके पास निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाज ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल, बल्लेबाजी थोड़ी निराशाजनक। जितेश शर्मा से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर है, लेकिन एक जुट होकर खेलने की संभावना, कोच नया है, ट्रेवर बेलिस जो अच्छे खासे नतीजे देते हैं, तो एक अच्छी संभावना, एक कांटे की टक्कर होने की संभावना। मे द बेस्ट।